देखते हैं प्रदेशों की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में बिजली पानी के संकट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज बवाना में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता रही बिजली पानी का संकट नहीं था। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। जिस ट्रक में आग लगी उसमें ज्वलनशील केमिकल और टायर लदे हुए थे। पंजाब के चंडीगढ़ में पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कर्नाटक की एक लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी लड़की को लेकर कई हिल स्टेशन भी ले जाया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी ने लड़की का अबॉर्शन भी करवाया। इलाहाबाद में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से गैंगरेप हुआ है। वहीं यूपी के मेरठ में भी एक दरिंदे ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना दिया। गुजरात के वलसाड़ में दो आदिवासी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के चर्चित गैंगरेप केस में आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। दिल्ली के पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के बख्तावरपुर में सोनू नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी साले और ससुर को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। दिल्ली के करोल बाग में कारोबारी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार धंसने से हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफेलाइटिस से बुधवार को चार और बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल करने को लेकर टूटा ने कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के हत्थे एक ऐसा लुटेरा चढ़ा है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटता था। आगरा में ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। झारखंड के सिमडेगा में नक्सली संगठन पीएलएफआई की गन फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप को पुलिस ने ध्वस्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही अब राइफल की जगह रिवॉल्वर लेकर ड्यूटी करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दुर्लभ प्रजाति के लाल रंग के सांप पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। रायपुर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश की वजह से भागीरथी, दिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।